हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। मैंने अपना पहला वीडियो डाला था बनारसी पुलाव का, उसमें आप लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया। उम्मीद करती हूँ आगे भी आप लोग मुझे ऐसे ही प्यार देते रहेंगे। आज मैं आप लोगों को चावल की खीर की रेसिपी बताने जा रही हूँ। उसमें क्या इन्ग्रीडियंट्स यूज़ होंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। उसके आगे जो भी प्रोसेस स्टार्ट होगा वो मैं आपको स्टेप वाइज बताती चली जाऊंगी। इस चावल की खीर बनाने के लिए सबसे पहले मैंने 1 kg मिल्क ले लिया है, और केवड़ा वाटर, और 1/2 cup चावल ले लिया है। इसको मैं मिक्सर में थोड़ा दरदरा पीस लूंगी, बारीक नहीं पीसना है, दरदरा पीसना है। और ये मैंने अपने टेस्ट के हिसाब से शुगर ले ली है, आप अपनी टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, मैंने मीडियम ली है। और ये मैंने इलायची पाउडर 1 teaspoon ले लिया है, और कुछ ड्राई फ्रूट्स को मैंने घी में फ्राई करके रख लिया है। इसको भी मैं थोड़ा दरदरा मिक्सर में चला लूँगी। अगर आपको देखना है कि इसे मैंने किस तरह फ्राई किया है तो आप मेरी पहली वीडियो में देख सकते हैं। अब मैंने 1/2 cup चावल को दरदरा पीस कर उसे अच्छे तरह से धो के उसको 1/2 hour के लिए भिगो के रख दिया है पानी में। और जो मैंने ड्राई फ्रूट्स लिए थे उसको मैंने दरदरा मिक्सर में चला लिया है। और हमने दूध को मीडियम फ्लेम में गैस पे रख दिया है, जब तक इसमें पहला बॉयल नहीं जब तक बॉयल नहीं आ जाता तब तक इसको हम बीच बीच में चलाते रहेंगे। मीडियम या हाई फ्लेम पे भी आप रख सकते हैं। इसमें ये बॉयल आने पर हम चावल को अच्छी तरह से धो के इसमें डाल देंगे। आप देख सकते हैं कि इसमें बॉयल आ गया है, अब इसको हम मीडियम फ्लेम में रख लेंगे। और इसमें चावल डालने के बाद इसको बीच बीच में चलाते रहेंगे ताकि बर्तन की तली में जो है दूध लगे नहीं। इसमें मैंने चावल धो के डाल दिए हैं, अब इसको हम पकने के लिए छोड़ देंगे। और इसको हमें बीच बीच में चलाते रहना है मीडियम फ्लेम पर। आफ्टर 5 minutes थोड़े चावल पक गए हैं, तब मैंने इसमें इलायची पाउडर और जो दरदरा ड्राई फ्रूट्स का को मिक्सर में पीस लिया था, अब इसको हम खीर में डाल देंगे और इसके साथ पकाएंगे। अब इसको हम 1/2 ढकेंगे, पूरा नहीं, और बीच में चलाते रहेंगे। हमें गैस फ्लेम को मीडियम फ्लेम पे रखना है। आप देख सकते हैं कि खीर जो है पक रही है, और हमारी जो मिल्क की ग्रेवी है बहुत थिक हो गई है। अभी इसे हमें और पकाना है जब तक हमारी ग्रेवी जो है और थिक नहीं हो जाती। इसे हम मीडियम से लो फ्लेम पे पका रहे हैं। अब इसमें हम शुगर जो हमने ली थी वो इसमें हम डाल देंगे। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं, आपको जैसा पसंद हो, कम मीठा या ज़्यादा मीठा। अब इसमें हम 1 teaspoon केवड़ा वाटर डाल देंगे। इसे हमें ढक के पकाना है। हमें खीर को तब तक पकाना है जब तक ये इतनी थिक नहीं हो जाती है। आप देख सकते हैं अब ये खीर पक गई है, अब इसको हम एक बाउल में सर्व कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि मेरी खीर बनके तैयार है। आप भी अपने घर पे इसे ट्राई करें और गर्मा गर्म पूरी के साथ एंजॉय करें। और मुझे ऐसे ही
मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा लगा। तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स।